इंडिया और पाकिस्तान की, तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में कौन आ गया, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान आ गया। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। आज आपका किट्टू भाई पकड़ के लाया है आपके लिए वो नमूने नमूनिया जिनमें जज्बा है, जहालत है और भी बहुत कुछ है, जिन्हें देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, वाह भाई क्या प्रोग्राम दिखा दिया यार। लाइफ बन गई, दिन बन गया, जिंदगी बन गई। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या पाकिस्तान किस चीज में आगे? पाकिस्तान हमारा जो है ना वो बहुत आगे, हमारी आर्मी बहुत ट्रेंड है। अजी घंटा, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में बात किया, आप आर्मी को बीच में ले आए क्यों? वो आर्मी हमारी हथियार टीम में बहुत अच्छी है ना। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज? हथियार किसके हैं? पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के, मेड इन पाकिस्तान? मेड इन पाकिस्तान। गंवारों के मुखिया, एटम पाकिस्तान का हथियार पाकिस्तान? वो अमेरिका का है, अमेरिका के, रशिया के। एटम बम सिर्फ हमारा, एटमी ताकत है। वो हमारी ताकत है ना, एटम हमारा है, हमारी ताकत है। तो क्या करोगे एटम? एटम बम को ही अपने सिंगाड़ों पे रखकर उड़ जाएगा। एटम हमारा बहुत जो जज्बा है, इधर आओ हम बताएगा आप लोगों को। इधर कौन सा ऐसा जज्बा है जो सिर्फ हमें पता है, हमारे अंदर है, दुनिया देख नहीं पा रही? ताड़ करने का, झूठ बोलने का, लूटने का जज्बा बहुत है हमें। हम जज्बे वाली कौम है और फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। वाह बेटा, अगर कोई स्कूल अच्छा मैथ्स पढ़ा रहे तो वो इस्लाम है। अगर वो स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहे तो डेट इज इस्लाम। और टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। सदके जाऊं मैं इनके झूठों पे। और आज की हमारी अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें, हम किसी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। सुना के अल्फाज सुन के मुझे तो पता नहीं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाते शायद। हमारे पास इतना पोटेंशियल है हमारे अपने मुल्क में कि हम दुनिया से बहुत स्पीडली जो है वो आगे निकलते जाते हैं। एक पैर केले के छिलके पे है, दूसरा कब्र में, फिर भी लंबी लंबी छोड़नी है। राबिया आपके कितने बच्चे हैं? 25। आप क्या करती हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं? जी। यार मुझे पहले लगता था कि ये पाकिस्तानी मौलानाओं की सोच या फिर पाकिस्तानी लोगों का जो माइंडसेट है उससे पाकिस्तानी महिलाएं बहुत ज्यादा दुखी होंगी, लेकिन भाई साहब इसको सुनने के बाद तो मुझे लगता है इनको तो मजा आता है कि पैदा ही ये सब करने के लिए हुई है, 25 बच्चे पैदा कर चुकी है। आपके शोहर क्या करते हैं? गुब्बारे बेचते हैं। जो तुम्हारा पति गुब्बारे बेचते है ना, उनका इस्तेमाल खुद भी कर लिया करो कभी। शोहर खाते क्या है, इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं? मैं अपने शोहर को घी खिलाती हूँ देसी, और उसको ताकत वाली चीजें खिलाती हूँ। वाह क्या बात है, उसके अंदर ताकत आए और वो माशाल्लाह मजीद बच्चे पैदा करें। जी इतना जज्बा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, सपने तो देखो यार। आपने कोई बड़े बड़े ख्वाब भी देखे हैं कि मेरा कोई महल नमा घर होगा जहाँ सारे बच्चे होंगे? मेरा मियाँ इस तरह के ख्वाब मुझे देखने नहीं देता, वो सोने नहीं देता मुझे सारी रात। कितने के बच्चे का टारगेट है पहले आप मुझे बताएं कि कितने के करने चाहिए? 50। 50 एक बच्चा हम करना चाहते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? आप देखते हैं पाकिस्तानी चचा की फ्रस्ट्रेशन, जिससे वो दुआ कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान उड़ जाए इनके खुद के एटमी ताकत से। आय हाय, पाकिस्तान में इस वक्त कोई आईन नहीं है, कायदे आजम ने जो आईन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पाकिस्तान का आईन उड़ चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब क्या करेगा, डूब के मरेगा? आमीन। उम्मीद है बेहतरी की। उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर? आमीन। पाकिस्तान पर एटम बम गिरे? अच्छा, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। आमीन। ओ अंकल जी ना करें, मेरी दुआ है, मैं आपको सही कह रहा हूँ। आमीन। जितना मेरा दिल दुखी है, नहीं ये इस पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, एटम बम। कौन सा पाकिस्तान? अब वो पाकिस्तान गुम हो गया। आइए अब मिलकर हम भी एक दुआ करते हैं। या अल्लाह पप्पू और बबलू अपने अब्बा जी से एक बार सही मगर जेल मिलने आ जाए। आमीन। या अल्लाह सरकारी इदारों को तबाह करने वालों को तबाह कर दे। आमीन। चांद से दुल्हन मिले, चांद सा बेटा मिले, हम भी अब चांद पे चले गए हैं, हमने भी इंडिया को बीट कर दिया। खास तौर पर हमारे मुल्क में ये चांद बहुत नायाब है। पहली बात यह कि ये मिशन चाइना की तरफ से लॉन्च किया गया और चाइना की सरजमीन से किया गया, पाकिस्तान सिर्फ उनके साथ काम कर रहा है, या असल में जितना भी काम हुआ है या किया गया है ये चाइना की तरफ से ही किया गया। जो हमारी तारीख रही है उससे ऐसा लगता नहीं है कि ये चांद इस बार इस कौम के साथ वफा करेगा। जो मेन काम है वो सारा चाइना का है, वो पाकिस्तान का ही नहीं है ना। पाकिस्तान आईटी में इतना आगे है कि पाकिस्तान इंडिया की तरह चांद पर जो है अपनी स्पेस भेज सकता है। वही
चांद सबसे पहले देख लेगा। चाइना पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है, पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चाइना करवा रहा है। और चाइना ने सिर्फ पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट है जिसका नाम है आई क्यू कमर, उसको ले जाके चांद पे छोड़ देना है। अब लाजमी सी बात है ना नाजरीन, जो चांद के ज्यादा करीब है उसी को चांद देखने का हक भी होना चाहिए। इंडिया के साथ अगर हम खुद को कंपेयर करते हैं कि उन्होंने मिशन भेजा था और हम भी भेजने वाले हैं, तो ये आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। कौम चाहती है कि ये चांद सबको एक साथ नजर आ जाए। ये हमें किस नजर से देखती है? एक जो ये वर्ल्ड की दुनिया है वो कहते हैं ये हकीर है और ये फकीर है, इनके से आगे पैसा दो, इनसे जो मर्जी काम करवा लो। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जो है पहले भी इसका नाम रोशन था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। अच्छा, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाला मुहावरा तो आप सबने सुना होगा। उस सांप के ख्वाब में अंडे। क्या आप मानते हैं कि इंडिया चांद पे भी गया? देखिए, बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मनसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। हमारा पाकिस्तानी उसके अंदर जो एक जज्बा ईमानी है, बड़ी बड़ी जंगें देखी है आपने, अगर वो उनके पास हथियार अच्छे होते तो वो हार क्यों जाते? चार जंगे कौन हारा? मैं तुझसे भिखारी बताना। बात ये है कि कुछ अगर कहीं कोई गलती हुई है तो बंदा हार भी जाता है, कोई ऐसी बात हारा कौन है? पाकिस्तान हारा है कि इंडिया हारा? पाकिस्तान पाकिस्तान। यार पाकिस्तान में इतने टाइप की खोपड़ी है ना कि बंदा देखते देखते हैंग हो जाए। अब ये चाचा जो हिंदुस्तान घूम चुके हैं, इनकी अलग ही सोच है। मैं पाकिस्तानी आवाम को ये बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए चार सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? नहीं पता है। कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। चाचा कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया यार, इतना भी नहीं रोते चाचा। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। पे गरीबों का क्या हाल है अब? यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयाशी कर रहे हैं ये सारे। अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया है? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं यार, अकलियत तो बात तो दूसरी है। यहाँ मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया, हमने रायवंड में दफनाई। ये चाइना के अंदर हाल, ये चाइना के अंदर क्या अपना... कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। इंडिया में अरब करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी आवाम को ये बताना चाहता हूँ, मैं आज ये पासपोर्ट मैंने ये रिन्यू करवाना है, ये दिखा दें, मैंने रिन्यू करवा के जो है मैंने चले जाना है। मैं खुद डिसार्ट हो गया हूँ, यहाँ से नहीं रहा जाता। आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे, वहाँ सुकून है। मुसलमान वहाँ सुकून से है, यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के और खुदकशी करके मर जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता। इंडिया में, दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान है, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई, और हाँ, इन सारे नमूनों को, जमूरों को, जो भी है यार, पहलते हुए जाना अच्छे से, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। अलग से न्योता देखकर जाऊंगी क्या तुम्हें? वो जो तुम्हारा पति गुब्बारे बेचता है ना, एक गुब्बारे का सही इस्तेमाल कर लो ना।